विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर इंदौर में एक अनूठा आयोजन किया गया। इंदौर के लोगों ने गुरुवार को पर्यटन पर्व मनाया। इस मौके पर इंदौर में सिटी वॉक भी आयोजित की गई। पर्यटन पर्व के दौरान इंदौर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के सहयोग से लोगों ने इंदौर की प्रसिद्ध छतरियों की सैर की। इस वॉक का निर्देशन विभाग के अधिकारी जफर अंसारी ने किया। इस दौरान इंदौर टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के CEO VPS राठौर भी मौजूद रहे। इंदौर की कृष्णपुरा छतरी से प्रारंभ हुई वॉक में लोगों ने छतरियों के इतिहास और उनकी निर्माण शैली को समझा। ये ब्लैक होल तो तुकोजराव थर्ड के जमाने में हुआ था, लेकिन जो हाइड्रेंट की आप बात करेंगे तो हाइड्रेंट उस जमाने में जो लाइबम्बा होता था, फायर ब्रिगेड होता था, वो गलियों में नहीं जा सकता था। तो वहाँ पर फॉरनर्स से ऐसे हाइड्रेंट बनाए गए कि जहाँ पर आग लगे तो उसी टाइम उस एरिया का पानी फ्लो करके और वहाँ आग बुझाई जा सके। तो ये महाराजा यशवंत होलकर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। सबसे जब वो यूरोप जाते थे तो लोग उनको जो हॉलीवुड के स्टार्स थे वो उनकी कॉपी करते थे, वो फैशनेबल बहुत थे, उनको बड़ा शौक था नई नई डिजाइन्स का। अधिकारियों ने कृष्णपुरा स्थित विभिन्न छतरियों के इतिहास के बारे में लोगों को जानकारी देते हुए उनके निर्माण तथा उसके पीछे रोचक किस्सों से नागरिकों को अवगत कराया। इसके अलावा लोगों को इसके संरक्षण के बारे में भी जानकारी दी गई। वर्तमान में इन छतरियों का रखरखाव पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन करता है। वॉक में इंदौर शहर के इतिहास को जानने की इच्छा रखने वाले नागरिकों के साथ स्टूडेंट्स भी बड़ी संख्या में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।